जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है बेस्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं आर्मी पोर्टल रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। जी हां दोस्तों, आप सभी को पता है एक वीडियो बनाने के बाद में बहुत ज्यादा बच्चों के कमेंट आए थे, क्योंकि इस रिक्रूटमेंट को लेकर इस बार आप लोगों के ऑनलाइन अप्लाई है वो अप्रैल में शुरू होने के पूरे पूरे चांसेज है। और इसको लेकर जो हिमाचल जो आपकी पोर्टल की जो ऑफिशियल रिक्रूटमेंट की जो साइड है उस पर जो रिक्रूटमेंट के जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग बात करने वाले हैं। काफी ज्यादा बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें तैयार करने होंगे, क्योंकि इस रिक्रूटमेंट रैली में बिना किसी एग्जाम के फिजिकल के बेसिस पे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेसिस पे और मेडिकल के बेसिस पे आपका फाइनली सिलेक्शन होता है। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि ये पोर्टल की वैकेंसी है, इसके लिए कौन-कौन से बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। एज को लेकर सबसे ज्यादा बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर एज वगैरह कितनी होती है इसमें, कौन-कौन अप्लाई कर पाएंगे, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जाना होगा और इस रिक्रूटमेंट में जो फिजिकल होता है उसमें क्या क्या इवेंट है वो होने वाले हैं, ताकि हम पहले से अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर ले। क्योंकि पिछली भर्ती में बहुत सारे बच्चों के साथ में ऐसा हुआ था कि जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी तब उनको पता चला कि भाई पोर्टल की रिक्रूटमेंट है वो उत्तराखंड में चल रही है और बहुत सारे बच्चे फिजिकल के लिए गए लेकिन वो फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो ऐसे में इस बार बच्चे पहले से ही अपनी तैयारी को शानदार तरीके से करके इस पोर्टल के रिक्रूटमेंट में जाना चाहते। अगर आपका भी सेना में भर्ती होने का या पर भर्ती होने का सपना है या फिर सेना के साथ में मिलकर आपको भी काम करने का मौका है, तो भाई ये मौका आप लोगों को सपना है तो ये आपको मौका यहाँ पर मिलने वाला इस पोर्टल के रिक्रूटमेंट में। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह चीज बता दूं कि आखिर ये पोर्टल होता क्या है और इसका क्या काम होता है। देखो पोर्टल की बात करें तो ये अलग अलग जितने भी हिल एरिया है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड का हो, ले लद्दाख हो, तो इन एरियाज में जितने भी हिल एरिया है उसमें जो सेना का जो सामान होता है उसे पहुंचाने में मदद करते हैं ये पोर्टल। और इन पोर्टलों की रिक्रूटमेंट इसीलिए निकाली जाती है, तो ये सेना के साथ में अटैच रहते हैं और सेना के साथ में अटैच रहकर और सेना का जो युद्ध वगैरह या फिर कहीं भी आपत्ति वगैरह होती है, कोई भी ऐसी आशंका होती है, उस समय जो सामान वगैरह पहुंचाने का जो काम होता है, उनका राशन सामग्री, उनके जो युद्ध का जो उनका सामान है वो पहुंचाने में काम करता है। इसलिए पोर्टल का रिक्रूटमेंट है वो निकाला जाता है और ज्यादातर ये हिल एरिया वाले इलाकों में ही इनकी ड्यूटी वगैरह लगती है। अब देखो मैं पूरा नोटिफिकेशन आप लोगों को दिखा देता हूं, उससे पहले जो भी नौजवान नए जुड़े हैं और भाई हर एक रिक्रूटमेंट और पोर्टल रिक्रूटमेंट से जुड़ी हर एक अपडेट अगर आप सबसे पहले पाना चाहते हैं तो भाई आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इन फ्यूचर आगे आने वाली हर एक अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। साथ में आप लोगों को बता दूं इससे रिलेटेड आपके जितने भी डाउट है वो डाउट मैं आपको लाइव आके यहां पर आपके क्लियर करने वाला हूं। तो भाई अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम है वो इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया है तो अभी जाके ऑफिशियल बाबू फौजी के नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है वहां हमें फॉलो कर लीजिएगा। मैं लाइव आके सभी बच्चों के डाउट है वो इंस्टाग्राम पे आपको क्लियर कर दूंगा। अभी मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन है और ये आप लोगों का जो पिछला रिक्रूटमेंट आया था उसका नोटिफिकेशन है। लास्ट टाइम जो रिक्रूटमेंट आया था वो अप्रैल में आया था और इस बार का रिक्रूटमेंट भी अप्रैल में आने वाला है। और मई में इनका, मई और जून के लगभग इनका क्या किया गया था, फिजिकल वगैरह कंडक्ट करवाया गया था। यहां पर डॉक्यूमेंट को लेकर लिस्ट है वो पहले से ही जारी कर दी है कि व्यक्ति द्वारा लाए जाने वाले अनिवार्य दस्तावेज। इससे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट बताऊं, उससे पहले आपको बता देता हूं एक चीज कि एज को लेकर जितने भी बच्चों के कंफ्यूज बना हुआ है कि सर 25 साल तक भर सकते हैं, 30 साल तक भर सकते हैं, कितने साल तक अप्लाई कर सकते हैं, तो देखो भाई मिनिमम एज आपके 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 40 साल है तब तक आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 18 से लेकर 40 साल वाले सभी व्यक्ति, सभी अभ्यर्थी हैं इस रिक्रूटमेंट रैली में भाग ले सकते हैं। 5वीं पास, 8वीं पास और 10वीं पास तीनों पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट रैली में कंडक्ट, आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट रैली कंडक्ट होने वाली है। अगर मैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में बात करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं जन्म व शिक्षा प्रमाण पत्र मूल 7-3 छाया प्रति लाना अनिवार्य होगा। जो आपका शिक्षा का प्रमाण पत्र है 8th की या 5वीं पास है तो 5वीं की मार्कशीट या 8वीं की मार्कशीट या 10वीं की मार्कशीट वो आपको साथ में लेके जाना होगा और उसमें आपकी जन्म डेट ऑफ बर्थ आपकी मेंशन होनी चाहिए। ओरिजिनल के साथ ही तीन, इन्होंने कहा है कि तीन उनकी जीरोक्स कॉपी भी आप लोगों को साथ में लेके जाना है। इसके साथ में दूसरे डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपका आधार कार्ड मूल और 3 छाया प्रति लाना अनिवार्य होगा जो स्वयं द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होंगे, सेल्फ अटेस्टेड। आपका ओरिजिनल आधार कार्ड आपको लेके जाना होगा और आधार कार्ड की 3-3 जीरोक्स कॉपी भी आपके पास में होनी चाहिए। तीसरा डॉक्यूमेंट देखिएगा कि बैंक पासबुक मूल एवं 7-2 फोटोकॉपी लाना है। स्टेट बैंक या पंजाब नेशनल बैंक, इन दो बैंकों में आपका अकाउंट होना चाहिए, या तो स्टेट बैंक SBI में होना चाहिए, पंजाब नेशनल बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए, उसकी जो डायरी है वो आपको साथ में लेके जानी होगी, उसकी जो पासबुक है वो आपको साथ में लेके जानी होगी ओरिजिनल।
और साथ ही मैं आपको बता दूं कि दो आपको फोटोकॉपी भी साथ में लेके जानी होगी। अगर अकाउंट नहीं है तो भाई खुलवा लेना, अगर इस भर्ती में भर्ती होना है तो ये चीजें आपके पास में होनी चाहिए, तभी आप पायलट सिलेक्शन हो पाएंगे। वहां पर आपको किसी भी प्रकार का मौका नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई डॉक्यूमेंट आपके पास में कम है तो आपको समय दिया जाएगा, वहां पर समय नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट रिजेक्ट किया जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होती है, बहुत ज्यादा उनके पास सामने बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं, इसलिए वो जिनके पास में डॉक्यूमेंट सारे हैं वही बच्चे क्वालिफाई हो पाते हैं। अब अगली बात करते हैं, जनधन बैंक खाता स्वीकार्य नहीं होगा। अगर आपका अकाउंट है एसबीआई में और अगर आपने जनधन योजना के तहत जो अकाउंट खोले गए थे उसके अकॉर्डिंग अगर आपके अकाउंट है जीरो बैलेंस वाला तो वो यहां पर नहीं चलने वाला, इसलिए आपको एसबीआई का अकाउंट खुलवाना होगा। जनधन वाला अकाउंट नहीं चलने वाला, बहुत सारे बच्चे एसबीआई का अकाउंट है जिनका जनधन अकाउंट, तो वो आपका यहां पर नहीं चलने वाला है क्योंकि वो जीरो बैलेंस का होता है। और यहां पर जो आपकी सैलरी वगैरह आएगी इसके लिए सैलरी अकाउंट चाहिए, तो इसके लिए आपको कम से कम है वो 1000 रुपए या 1500 रुपए देकर आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसे कहा जाता है, मूल निवास प्रमाण पत्र जिसे कहा जाता है, वो आपके पास में होना चाहिए। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इनकी एक आपके पास में फोटोकॉपी भी होना चाहिए। साथ ही इन्होंने कहा कि 10 राजस्व टिकट लाना होगा, 10 राजस्व टिकट भी आपको साथ में लेके आनी होगी। उसके अलावा अगली चीज देखिएगा, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर अपना, अपना मोबाइल नंबर आपके पास में मोबाइल होना चाहिए और जिसमें जो नंबर है वो यहां पर आपको देने होंगे। इसके साथ ही एनओके देना होगा। एनओके का मतलब क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, जो भी आपके परिवार है, माता पिता, जो भी आपके रिलीजन है, उनके नंबर आप लोगों को वहां पर अटैच करवाने होंगे। अगर कुछ भी दिक्कत वगैरह हो जाती है तो वो उनसे डायरेक्ट संपर्क कर पाए, इसलिए उनका एड्रेस, उनका नाम और उनके मोबाइल नंबर ये आपको वहां पर देने होंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर कितनी आपको फोटो लेके जानी होगी। तो यहां पर देखिएगा, व्यक्तिगत फोटो आपके पास में 6 होनी चाहिए और रंगीन फोटो, रंगीन एनओके की जो रंगीन फोटो है वो 4 होनी चाहिए। एनओके के बारे में मैंने आपको बताया था, एनओके का मतलब होता है किसी भी परिवार के एक सदस्य का, फादर, भाई या फिर मदर, किसी का भी एक का आपके पास में है मोबाइल नंबर, उनका पूरा एड्रेस और उसके साथ ही उनकी कितनी पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है, 4 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी होगी। इतनी चीजें आपके पास में होनी चाहिए। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण चीज आती है, वो आती है पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र, जो कि 1 जनवरी 2024 से पहले का नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर आप लोग बनवाते हैं तो जब आपका रिक्रूटमेंट आएगा, जब आपका नोटिफिकेशन आएगा, इस बार ऑनलाइन अप्लाई करवाए जाएंगे, जिस दिन आपका ऑनलाइन अप्लाई शुरू होता है उसके बाद का पुलिस वेरिफिकेशन आपके पास में, सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, जो कि आराम से बन जाता है, आजकल ऑनलाइन बनता है, ठीक है। तो वो आप लोगों को साथ में लेके जाना होगा। तो इतने डॉक्यूमेंट आप लोगों को साथ में लेके जाना होगा। डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपकी रनिंग कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आपकी, अगर मैं आपको बता दूं इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट आपका कम रहता है तो भाई आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है। ऐसा आप इस रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया। और इस बार की जो रिक्रूटमेंट रैली होगी वो कौन कंडक्ट करवाएगा, तो वो करवाएगा 36वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड ग्रुप पोर्टर कोई है, वो आप लोगों का ये रिक्रूटमेंट है ये कंडक्ट करवाने वाला है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इस रिक्रूटमेंट रैली के लिए आप लोगों का फिजिकल वगैरह क्या क्या होने वाला है। देखो मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले आपका फिजिकल ही यहां पर कंडक्ट होगा। तो फिजिकल में जो बच्चा क्वालिफाई होगा उन्हीं बच्चों का आगे के चरण में क्या लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद में मेडिकल होगा। रनिंग वगैरह आप लोगों की कितनी होने वाली, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं लेकिन अग्निवीर की भी वो तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने अग्निवीर भर्ती के लिए भी अप्लाई किया है। जो भी बच्चे अग्निवीर की तैयारी करना चाहते हैं उनको मैं पहले बता देता हूं, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट आता है कि सर बुक बता दीजिएगा, तो भाई चक्षु पब्लिकेशन की काफी अच्छी गाइड मार्केट में आ चुकी है। ये एक स्टडी गाइड है जिसमें अगर आप अग्निवीर जीडी की तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर धर्म शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर कलर्क की तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं या फिर अग्निवीर टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, सभी की गाइड्स है वो आ चुकी है और मार्केट में भी आपको मिल जाएगी। साथ ही आप फ्लिपकार्ट, अमेजन, कहीं से भी ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। देखो इसमें आपको 2450 प्लस बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी मिल रहे हैं और 50 प्रैक्टिस सेट भी दिए जा रहे हैं। इसका प्रैक्टिस सेट और बुक दोनों मार्केट में आपको मिल जाएगा। और अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो भाई इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां जाके आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों रनिंग वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं, तो भाई हाइट वगैरह का यहां पर कोई मेजरमेंट नहीं हो रहा है। हाइट अगर आपकी कम है तो भी चल जाएगी, लेकिन नॉर्मली जो आपकी रेस होती है वो 1600 मीटर की होती है और इसके लिए जो समय दिया जाता है वो दिया जाता है 6 मिनट और 30 सेकंड का। यह पूरा समय आप लोगों को मिलने
होने वाला। अब बहुत सारे साथी आप में से ऐसे होंगे जो सोच रहे हैं कि सर 1600 मीटर तो मैं आराम से 6 मिनट में निकाल लेता हूं, अभी मैंने दिल्ली पुलिस का भी फिजिकल निकाला था, अभी मैं सीआरपीएफ का ट्रेडमैन का फिजिकल दिया था, बीएसएफ का फिजिकल दिया था। तो मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करा दूं कि ये 1600 मीटर जो आपकी रेस होगी ये हिल एरिया में होगी। कहां पर होगी? हिल एरिया में होगी, और हिल एरिया में 1600 मीटर रेस है वो 6 मिनट और 30 सेकंड करना काफी कठिन है। तो भाई बहुत हार्ड होता है क्योंकि चढ़ाई पे आपको रनिंग करवाई जाती है वहां पे, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, इसके लिए आपको बहुत अच्छे से मेहनत करके जाना। और इसीलिए पहाड़ी इलाके से जो बच्चे बिलोंग करते हैं वो इस भर्ती प्रक्रिया में ज्यादा शामिल होते हैं और जल्दी उनका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि उनकी शुरू से ही जो तैयारी होती है वो हिल एरियाज में होती है और इसी वजह से उनको पहले प्रायोरिटी मिल जाती है, क्योंकि उनका फिजिकल अच्छा होता है हिल एरिया या पहाड़ों में चलने के लिए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारे डाउट में आशा करता हूं आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। रनिंग आप लोग शुरू कर दीजिएगा, अभी आप लोग देख रहे होंगे यहां पर, आप लोगों को मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ये आप लोगों की ऑफिशियली साइड है हिमाचल हिल पोर्टर कंपनी, वैसे लद्दाख पोर्टर की अलग है, उसके साथ ही उत्तराखंड पोर्टर की अलग यहां पर वेबसाइट है, तो सभी की अलग अलग वैकेंसियां निकाली जाती है। और ये वाली वैकेंसी है ये पिछले साल आप लोगों की आई थी, वो अप्रैल 2023 में आई थी, लगातार एक साल के बाद में फिर से अप्रैल 2024 में इसका नया नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। और भाई इस बार आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको पहले करवाना पड़ेगा, तभी आपका एडमिट कार्ड आएगा, और एडमिट कार्ड आने के बाद में आप इस रिक्रूटमेंट रैली में भाग लेके फाइनली तौर पर सिलेक्शन ले सकते हैं। तो भाई एज में बहुत ज्यादा आपको छूट दी जा रही है, और रियल में अगर आपका सपना है फौज के साथ में रहकर काम करने का तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको और नहीं मिल सकती। इसके अलावा दोस्तों भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा आपका कोई भी डाउट है बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों स्टूडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।